हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे हॉलीवुड की पॉपुलर मूवी और फ्रेंचाइज टर्मिनेटर के सिक्स्थ पार्ट के बारे में। क्या इस फिल्म की कास्ट होगी, कौन इस मूवी को डायरेक्ट करेगा और कब तक ये मूवी रिलीज होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में आर्नोल्ड ने टर्मिनेटर 6 के सेट से एक फोटो पोस्ट की, जिसमें वो और उनकी कोस्टार लिंडा हैमिल्टन भी दिख रही हैं। टर्मिनेटर के पार्ट 6 को प्रोड्यूस कर रहे हैं हॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर जेम्स कैमरॉन, जिन्होंने अवतार जैसी मूवी डायरेक्ट की है। जेम्स कैमरॉन काफी टाइम बाद टर्मिनेटर सीरीज का पार्ट बन रहे हैं। इससे पहले ये टर्मिनेटर 2 के पार्ट में दिखे थे। इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं टिम मिलर, जिन्होंने डेडपूल जैसी मूवी डायरेक्ट की है। मूवी की स्टोरी राइट की है मिलर, कैमरॉन एंड डेविड एलिसन ने। आर्नोल्ड इस मूवी में हमें अपने आइकॉनिक रोल T-800 में दिखेंगे, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि लिंडा हैमिल्टन मूवी का हिस्सा है, जो सारा कैनोर के रोल प्ले करेंगी। इससे पहले हैमिल्टन हमें 1996 में आई टर्मिनेटर के सीक्वल में दिखी थी। मूवी में हमें कुछ और स्टार भी दिखेंगे जो हाल ही में आई फोटोज में दिखे थे, जिसमें नेटालिया रियाइस प्ले कर रही है डैनी रेमोस का कैरेक्टर, और मैकेंजी डेविस प्ले कर रही है ग्रेस का कैरेक्टर। अभी रिसेंटली में लिंडा हैमिल्टन का बर्थडे था, जिस पर आर्नोल्ड ने दो फोटो अपलोड की। एक फोटो काफ़ी टाइम पुरानी है और दूसरी फोटो रिसेंट की है। दोनों में ही सेम पोज दिख रहे हैं, और ये फोटो देखकर फैंस भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं और वेट कर रहे हैं टर्मिनेटर के सिक्स पार्ट का। मूवी की रिलीज डेट आ गई है और ये 22 नवंबर 2019 में रिलीज होने के लिए रेडी है। हालांकि मूवी को रिलीज होने में अभी थोड़ा टाइम है। ये प्रोजेक्ट हमें दिखेगा पैरामाउंट पिक्चर के साथ, जिसका प्लान है मूवी का एक और पार्ट बनाने का, यानी टर्मिनेटर 7। ये दोनों पार्ट बेस है टर्मिनेटर 5 पर, जो 2015 में आई थी, पर कुछ रीजन से ये ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आई। जब से मूवी के 6 पार्ट के साथ जेम्स कैमरॉन का नाम जुड़ा है, तब से लोगों का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ गया है नेक्स्ट पार्ट के लिए, और शायद हमें मूवी की ओरिजिनल स्टोरी लाइन देखने को मिले, जिसने ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था। अभी मूवी का टाइटल सामने नहीं आया है, पर मूवी के रिलीज डेट से कुछ टाइम पहले शायद हमें टाइटल पता पड़ जाए। मूवी नवंबर 2019 में रिलीज होगी, और इससे पहले दो मेजर मूवी 2 हफ्ते पहले रिलीज होगी। पहली वंडर वूमेन 1984 और पहले हफ्ते किंग्स मैन। तो टर्मिनेटर 6 मूवी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होगा इन दो मूवियों के साथ कंपीट करना। तो आगे देखते हैं मूवी कैसा परफॉर्म करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आपको इस वीडियो में बताया टर्मिनेटर के 6 पार्ट के रिलीज डेट और कास्ट के बारे में। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशंस, अमेजिंग वीडियो मूवीज के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल इन्फिनिटी स्टोन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।